हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरनेट गाइड शिवांश बसी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट्स को आज के दिन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे हुआ है, क्या चार्ट्स में मैंने देखा था कि हमें वो प्रॉफिट अचीव हुआ है और किस तरीके से हमने अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवाया था। गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोज नहीं बना रहा हूँ। मैं आपके लिए हमेशा वीडियोज बनाता था जिसमें आपको मैं अगले दिन के लिए स्टॉक सजेस्ट करता था और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस बताता था। पर गाइस, 1-2 दिन से तो मार्केट बहुत इनडिसाइसिव थी, तो मैंने आप लोगों को तब प्रोवाइड नहीं कराई कॉल्स, और दूसरे टाइम मैं एक नई स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, जिसपे मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वो स्टॉक्स चुन के लाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरी बात गाइस, मैंने जो अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई, तब मुझे पता चला कि जो मेरा हाथ जिसमें सेट है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये स्टॉक पर्टिकुलरली इस टाइम तक ऊपर जाएगा, वो है स्विंग ट्रेड। यानी कि स्विंग ट्रेड्स पे मेरे जो कॉल्स हैं वो 90% तक करेक्ट बैठ रही हैं। इंट्राडे पे वो पर्टिकुलरली वर्क करे ना करे, अगर मैं आज आपको कोई प्रोवाइड कॉल कराता हूँ तो वो अगर वो आज वर्क नहीं करती तो प्रॉबेबली वो कल या परसों तक वर्क कर जाती है और हमारा टारगेट हमें अचीव हो जाता है गाइस। तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेड्स पे अब ज़्यादा ध्यान दूंगा पर्टिकुलरली, और आपको ऐसी ऑप्शंस फ्यूचर्स की कॉल्स भी प्रोवाइड कराया करूंगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, कि आप अच्छे खासा रिटर्न अर्न कर सकें। और गाइस, अब जो मैं आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज भी लेकर आऊंगा और जो पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा वो मैं आपके लिए चार्ट्स में लेकर आऊंगा। यानी कि आपको मैं चार्ट में पहले एक्सप्लेन करूंगा कि पर्टिकुलरली इस पे ऐसा क्या हो रहा है कि मैं आपको ये बाय या शॉर्ट करने की सजेस्ट कर रहा हूँ। और गाइस, आज हमने अपने क्लाइंट्स को जो अर्न करवाया था, हम एक वीकली मार्कशीट लेकर चलते हैं, यानी कि एक वीकली परफॉर्मेंस लेकर चलते हैं कि पूरे वीक में हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए, उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें कितना हुआ। तो गाइस, आज की अगर हम बात करें, मैं आपको पूरा वीक का भी एक दिखा देता हूं, पर आज हमें क्या हुआ, आज हमें 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। किस तरीके से हुआ, इस तरीके से मैं आपको शो करना चाहूंगा कि कौन से वो स्टॉक्स थे और किस तरीके से मैंने उन्हें बाय या सेल करवाया था। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक मार्कशीट दिखाना चाहूंगा या वो वर्कशीट दिखाना चाहूंगा जिसपे आज हमें प्रॉफिट हुआ। तो गाइस, बढ़ते हैं, सकते हैं कि मैंने 20th of Jan से लेके 1st Feb तक की बना रखी है वीक मार्कशीट। जो भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैं ये सेंड करते रहता हूँ अपनी एक परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस के दौर में। 1st Feb तो आज आया नहीं, तो आप 31st Jan को देखिएगा। 31st Jan को हमने बाय करवाया था EI होटल 186-187 के लेवल्स पे। 205 का हमारा टारगेट था, 3000 क्वान्टिटीज हमें बाय करनी थी, 57,000 का हमें प्रॉफिट हुआ गाइस, जिसमें 57,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। और 920 पे ये मैंने सजेस्ट करा था अपने क्लाइंट्स को बाय करने के लिए, और 950 तक हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिख गए थे। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमने 50,000 प्लस का प्रॉफिट अर्न कर लिया था EI होटल्स के अंदर। BEML 4804805 के हमारी बाइंग प्राइस थी, 811 का हमारा इसमें टारगेट था, 811 का टारगेट हमारा अचीव हो गया था, तो हमने 4900 का प्रॉफिट इसमें अर्न कर लिया था। उज्जीवन फेब 250 की हमने पुट बाय करने की सलाह दी थी हमें, इसमें हमने 29th को बाय करने की सलाह दी थी। आप ऊपर देख सकते हैं, जो भी हम होल्ड करवाते हैं और उनका कलर हम चेंज कर देते हैं, 29th को हमने 4 रुपीज में बाय करवाई थी, 7 रुपीज में हम इंट्राडे पे ही एग्जिट कर गए थे आज के ट्रेडिंग सेशन पे। HDFC हमने इंट्राडे पे बाय करवाया था 1900 की कॉल को, 50 रुपीज पे हम एग्जिट कर गए थे 70 रुपीज में। हमारा जो टारगेट था वो 80 का था, पर हमने ऑल क्लाइंट्स को एग्जिट 70 पे करवा दिया था। और फार्मा 782-783 का जो हमारा टारगेट हमने बाय प्राइस दिया था कि इस लेवल पे आपको बाय करके चलना है, 789 का हमारा स्टॉप लॉस था, सॉरी 789 का हमारा टारगेट था, 778 का हमारा स्टॉप लॉस था। पर और फार्मा में हुआ ये कि 777.65 तक लो मारा और वहां से वो ऊपर भाग गया और हमारा जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया। सो गाइस, 0.35 पैसा की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, वरना इसमें भी हमें 4000 का नहीं 6000 का या 7000 का प्रॉफिट शो कर रहा होता। पर गाइस, एक्सिस बैंक 690 की कॉल मैंने 7 रुपीज में सजेस्ट करी थी अपने क्लाइंट्स को, 30 रुपीज का टारगेट लेके हम अचीव करके यहाँ से एग्जिट कर गए, वो भी मैंने 28 जान को बाय करवाई थी 7 रुपये में 690 की कॉल को, और 27,600 का प्रॉफिट लेके हम एग्जिट कर गए थे। आप ऊपर भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 30th को कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं कराई, यानी कि कल मैंने कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं करवाई थी, 29th को मैंने बैंक ऑफ इंडिया बाय करवाया था, सब मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ही बात करता हूँ, 89 रुपीज में बैंक ऑफ इंडिया बाय करवाया था, 6000 का लॉट है। 97 पे मैंने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट करवा दिया था इंट्राडे पे ही 48,000 के प्रॉफिट के साथ। तो गाइस, हम ऐसी ही ऑप्शन एंड फ्यूचर्स पे ट्रेड लेके चल रहे हैं
और अच्छे से हम अपने एक ट्रेड को इनिशिएट करके चल रहे हैं। गाइस जो भी मैं कैश कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ वो कैश कॉल जनरली मैं प्रोवाइड कराता हूँ 3 या 4 या 5 दिन के पर्पज से, या थोड़ा बहुत पोजिशनल होता है। तो जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए होती है। पर ये मैंने इंट्राडे कॉल प्रोवाइड कराई थी ईआई होटल्स, 3000 क्वांटिटीज आप 40,000 रुपये तक के अंदर अंदर बाय कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट था 10 से 12 रुपए का, जो 20 रुपए का, वो पूरा का पूरा अचीव हो गया था। ये जो मैंने कॉल्स प्रोवाइड कराई थी अपने क्लाइंट्स को, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गई है। तो पूरे हफ्ते के अंदर हमें 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ, पर इस पर्टिकुलर डे के अंदर हमें 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो गाइस एक्सिस बैंक जो हम कॉल देख रहे हैं, ये मैंने पोजिशनली होल्ड क्यों करवाई? पोजिशनली होल्ड करवाने का मीन्स ये है कि आप देख रहे हैं मार्केट में, मार्केट चाहे ऊपर या नीचे जाए, बहुत इंडाइसिव मार्केट हो रही है, अनट्रेड तरीके से वो ट्रेड हो रही है। पर गाइस आप देख रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक जो बैंक्स हैं, उन बैंक्स में हर दिन कोई न्यूज आ रही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर वो पर्टिकुलर बैंक जो है वो सिर्फ ऊपर की तरीके से खुल रहा है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर बैंक में छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो बैंक 10, 15, 20, 30 रुपये ऊपर भाग जाता है। वही हुआ एक्सिस बैंक के, जो रिजल्ट्स आने थे वो बहुत अच्छे आने थे। तो उस तरीके से हमें लग रहा था कि एक्सिस बैंक पे हम एक बाय कॉल लेकर चल सकते हैं। 7 रुपीज में हमने एंट्री करवाई थी और आज जो हमने 30 रुपीज पे एक से एग्जिट करवा दिया था गाइस। उस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी हमने करा था और बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट हुआ। कुछ कॉल्स जो हैं जो मैंने आज के में ऐड नहीं कर रखी है, जो कि मैंने उन्हें होल्ड करने की सलाह दी है। 3 ऐसी पोजिशनल कॉल्स हैं जो 2 फ्यूचर्स के हैं, अगर नहीं आपको मैं बताऊं तो तीनों मैंने ऑप्शन कॉल्स ही आज बाय करवाने के लिए दे रखे अपने क्लाइंट्स को, जो 6, 7, 8 में आ जाती, पर मैं वो आज आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पोजिशनल है। जब उनका टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से हैं। DHFL है, SBI है और डाबर है। ये 3 स्टॉक्स हमने ऑप्शन के थ्रू अपने क्लाइंट को बाय करने की सलाह दी रखी है। अगर इनके आते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है, मैं आपको 1 फेब के मार्कशीट में जरूर दिखाऊंगा। सो गाइस अब इनमें हमने क्यों ट्रेड लिया, कैसा हुआ, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ईआई होटल्स की तरफ। हम आ गए हैं ईआई होटल्स के अंदर, तो मैं आपको चार्ट्स दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ईआई होटल्स ही क्यों चुना और क्यों दी अपने क्लाइंट्स को कैश में। सो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स जो आए थे वो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव में आए थे। क्यों आए थे? जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 50% इंक्रीज करा था प्रीवियस क्वार्टर से। जो रेवेन्यू था वो 22% से ऊपर की तरफ गया था और जो इसका एबिटा था वो 60% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ से इंक्रीज हुआ था। और गाइस अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 23% से 30% तक गया था, उछला था। तो गाइस बहुत ज्यादा ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स आए थे और हम कह सकते थे कि इस स्टॉक में एक बहुत ज्यादा उछाल तो आ सकती थी। गाइस उछाल आ सकती थी, अब हमें देखने थे इसके चार्ट्स। गाइज हम देखें तो होटल सेक्टर जो है वो बहुत साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कभी किसी बंदे को नहीं दी है और कभी भी होल्ड करने की सलाह होटल सेक्टर के अंदर तो अभी तक नहीं दिया। गाइज गाइज अगर हम इस स्टॉक की बात करें, अगर इस स्टॉक में मैंने सिर्फ वीकली चार्ट ओपन करा और उसमें मुझे एक अच्छी चीज जो दिख गई थी 1 मिनट में, वो थी 178 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देख सकते हैं येरी कैंडल, एक येरी कैंडल। अगर हम बात करें इन दोनों के बॉटम को टेस्ट करें तो 178 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो अगर हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, वीकली चार्ट के अंदर इसने बना के रखा हुआ था। गाइस बनाने के बाद हम अब देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। तो ये एक रेंज के अंदर था गाइस, 178 को होल्ड करके बैठा हुआ था और अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अगर हम मान के चलो 175 से लेके, अब ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका एक बॉटम बना हुआ है 178। ये आप जो लाइन्स होती है इन्हें तो आप छोड़ सकते हैं और ऊपर की रेंज में हम कह सकते हैं कि ये एक रेंज थी इसकी, आप देख सकते हैं। इस रेंज के अंदर ही मार्केट में ईआई होटल ट्रेड कर रहा था। लोअर रेंज में लोअर जो रेंज थी 178 उस पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। जब ईआई होटल ओपन हुआ तो हमने देखा कि हमें जो बाय प्राइस है, जो हमें जिस लेवल पे बाय करना है वो 178 के ऊपर बाय करना है, यानी कि 187 या 186 के आसपास बाय करना है। क्योंकि क्यों बाय करना है? क्योंकि वहां पर उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। गाइस अगर पर्टिकुलर स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, वो अगर कोई अपने मूविंग एवरेज को उस टाइम इंट्राडे पे क्रॉस कर रहा हो तो गाइस उसके लिए बेस्ट ट्रेड बनता है उस टाइम उसको बाय करने के लिए। और अब मैंने इसका टारगेट कैसे चुना? सबसे पहला जो मेरा इसका टारगेट था वो टारगेट था 192 का। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट लिया था, तो मैंने 192 का फर्स्ट टारगेट,
सेकेंड टारगेट हमारा 197 का था, और थर्ड टारगेट जो हमारा लास्ट था 205 था, जो इसका प्रीवियस हाई बना हुआ था। गाइज हमारे तीनों टारगेट हमें आधे घंटे के अंदर हमें अचीव होते हुए दिख गए थे, और मैंने यहाँ से अपने क्लाइंट्स को एग्जिट करवा दिया। गाइज अब हमें स्टॉक में नजर रखनी है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके साथ अब एक और पर्टिकुलर जो स्टॉक है इंडियन होटल, उस पर भी हम एक बाइंग प्राइस अपनी रख रहे हैं। इंडियन होटल पे भी हमारी एक फोकस बनी हुई है कि वो भी एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है बाय करने के लिए, और EI होटल्स भी हम वापस बाय करने की जरूर सोचेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 215 का, अगर ये हमें अच्छे लेवल्स पे वापस मिल जाता। गाइस अब हम बढ़ते हैं कि हमने कौन सा स्टॉक और दिया था उस पर, हम आते हैं सबसे पहले HDFC पे। HDFC का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो ये मेरा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये मेरा बहुत टाइम से बना हुआ, अगर हम कह सके तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं, जो मैं आपको हमेशा अपने चार्ट्स के मैं बताते रहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में कि 38.2, 50 और 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं वो बहुत सही लेवल्स होते हैं ट्रेड के अंदर घुसने के लिए। गाइस तो अब हम देख सकते हैं कि हमने देखा था जिस तरीके से मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी थोड़ा उल्टा बना दिया है, मैं वापस से सही कर देता हूँ, आप वेट करिएगा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है। आप देख रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज से पहली बात तो HDFC गिर रहा है। आपको मैं इसमें दो फायदे बताऊंगा कि दो जो फायदे मुझे दिखे थे HDFC के अंदर, उस तरीके से मैंने HDFC को बाय करने की सोची थी। गाइस सबसे पहला जो फायदा था वो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज से पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है, तो उसके बाद एक हम मोमेंटम देखते हैं कि अगले 2 दिन तक शायद वो जो स्टॉक है वो या कंसोलिडेट करेगा या उसके बाद एक अपमूव आएगी। और पर्टिकुलरली हम देखा वो पर्टिकुलर 3 दिन तक ये स्टॉक गिरा और अपने जो इसने लोज मारे वो मूविंग एवरेजेस पे मारे, तो सबसे पहला जो इसे हमने देखा कि 3 दिन के बाद वो एक सपोर्ट पे जाके रुक गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाके रुक गया, तो अपमूव आनी ही थी HDFC के अंदर। दूसरी बात हमने देखा कि 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है, तो गाइस यहाँ से एक फ्रेश बाय बन सकती है अगर ये 38.2 के रिट्रेसमेंट लेवल को क्रॉस करता है। गाइस इस लेवल पे इसे क्रॉस करा तो 1895 पे मैंने इसे बाय दिया, और जो बाय दिया वो मैंने ऑप्शंस के थ्रू दिया, 1900 की कॉल ही बाय करवाई 50 रुपीज में। हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट HDFC पोजिशनल 80 रुपीज का था। 80 रुपीज का क्यों था सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा प्ले HDFC के अंदर ही टारगेट था वो मेरा था 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 1950 का टारगेट। और गाइस इसका जो हाई मार्क आई है वो 1942 का मार्क आई है, इसके पास नहीं पहुंच पाई, पर जो मेरे एस्टिमेट टारगेट था वहां तक वो पर्टिकुलर स्टॉक जा चुका था। गाइस अब यहां से जो HDFC के अंदर बाइंग बनती है वो बाइंग बनती है, प्योर बाय बनती है 1920 के आसपास, जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। 50% के रिट्रेसमेंट लेवल पे हम इसे बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1950, और इसके जो न्यू हाईज है वहां तक भी निफ्टी बैंक HDFC जा सकता है। अब हमें देखना यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने जो एक लो मारा उसके बाद हम देख सकते हैं ये यहाँ पर इसने कंसोलिडेट भी करा था। दूसरी बात, अब अगर आप ऊपर की तरफ रेंज देखेंगे तो 2017 की जो इसकी रेंज बनी आ रही है, जो हाई बना रहा है, वहां तक भी मैं इसको देख रहा था कि वहां तक ये HDFC जरूर जा सकता है। अगर मैं इसे पोजिशनली होल्ड करवाता हूँ अभी भी, जो मैंने एग्जिट करवा चुका हूँ 70 के प्राइस पे, अगर आप लोग इसे अभी भी बाय कर सकते हैं तो HDFC को बाय कर सकते हैं करंट प्राइस पे भी, तो आपको ये अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है और 2000 तक ये आराम से HDFC जा सकता है। तो गाइस ये एक ट्रेड मैंने और दिया था। गाइस अब और कौन सा ट्रेड दिया था उस ट्रेड की तरफ भी हम बढ़ते हैं, वो भी मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑरो फार्मा की तरफ। सो गाइस मैंने ऑरो फार्मा का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो मैंने आपको जैसे HDFC के अंदर बताया था कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स बनती है सेल साइड में या बाई साइड में, तो उसके बाद एक रिवर्स आ सकता है। पर गाइस ज्यादातर 3-4 कैंडल्स बनती हैं, पर अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने देखा था ऑरो फार्मा के अंदर 28 तारीख को एक अच्छा खासा फॉल आया था और 50 रुपए तक का। उसके बाद हमने देखा वहां से अगले दिन रिकवरी आई, दूसरे दिन रिकवरी आई, और जब रिकवरी आई उसने 50% जो इसकी गिरावट थी उसे कवर कर लिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी। तो नेक्स्ट डे हमारे लिए जो था ये बाय अपॉर्चुनिटी थी, और हमारे लिए जो प्रीवियस डे भी था उसे भी हम बाय करके चल सकते थे। तो मैंने गाइस इसमें वॉच करके रखा, तो मैंने देखा जब 50 डे की जो इसकी गिरावट थी उसे इसने कवर कर लिया, उसके बाद उसने 10 डे MA का
जो लेवल है वहां जाके उसने क्लोजिंग दी है। तो गाइज वहां से एक रिवर्सल आ सकता था, शॉर्ट रिवर्सल आ सकता था। तो गाइज मैं वॉच करा, मैंने सोचा इंट्राडे पे इसे आज बाय करवाएंगे, पर जिस तरीके से ये इसके ऊपर निकला और निकलने के बाद जो 782 का और 778 का जो मेरा स्टॉप लॉस था 778 का, वहां पर आली चार्ट में 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो उसे सपोर्ट दे रहा था। गाइस उससे सपोर्ट देके एग्जैक्ट वहां से हमने देखा एक बाउंस आया, और बाउंस में जो हमारा टारगेट था 790 का, एग्जैक्ट वो 790 का टारगेट अचीव कर गया था ऑरोफार्मा के अंदर। गाइस ये एक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म पे या इंट्राडे के अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, बस हमें केयरफुली ट्रेड करके चलना। ये छोटी छोटी चीजें ही हमें अगर हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट दे देगी, सो गाइस आपके लिए बहुत आसान बात हो जाएगी। गाइस अब हम बढ़ते हैं कि अब मैंने आपको इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स दिए थे, उसमें हम बढ़ते हैं BEML के अंदर। BEML का चार्ट ओपन करके रख लिया। गाइस BEML में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल HDFC जैसा पैटर्न एक बना हुआ है। ऊपर में जो इसके हाईज हैं वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि डबल टॉप की तरह एक तरीके से बने हुए हैं 930 के लेवल पे। उसके बाद हमने देखा था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डे इसमें एक गिरावट आई थी, कैंडल्स बनी थी। उसके नेक्स्ट डे हमें मार्केट को वॉच करना था, BEML को वॉच करना था कि वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आपने देखा एक रेड कैंडल और बनते हुए हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात हमने देखा कि इसने जो प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करा। ब्रेक मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों देखा, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करिए, मैं हॉरिजॉन्टल कैंडल लाइन चुन लेता हूँ, उसके बाद मैं ये बना देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक जो लाइन है वो एक बार बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही थी ये कैंडल्स, उसके बाद नीचे आ रही थी। उसके बाद हमने देखा था जिस तरीके से इसने इसको ब्रेक करा था वापस ऊपर गई थी, और 200 day EMA जो इसका था वो एक रेजिस्टेंस बन गया था, और उसे ब्रेक करने के बाद वही सपोर्ट लेके वो वापस नीचे आया, और नीचे आने के बाद एग्जैक्ट यहाँ पर इसने इसका लो मारा जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। सो गाइस ये BEML मेरे लिए एक ट्रेड बन रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और कल भी था तो मुझे इसको वॉच करके चलना था। कल हमें कोई मोमेंटम नहीं दिखी थी BEML के अंदर। आज हमने देखा था कि इसमें ओपन और लो दोनों सेम था। दूसरी बात जो मैंने चार्ट में देखा था वो बिल्कुल सही काम कर रहा था, तो मैंने इसे करंट लेवल्स पे ही बाय करवा दिया था। और जो हमारा टारगेट था वो हमारा टारगेट ये 2 दिन का जो टारगेट था वो 835 था, पर इंट्राडे पे ही हमने इसे एग्जिट करवा दिया था 811 पे ही। तो गाइस एक BEML मेरा ऑप्शन था। गाइस दूसरी बात अब हम बढ़ते हैं उज्जीवन पे, जो उज्जीवन पे मैंने सजेस्ट करा था बाय शॉर्ट करने के लिए या पुट बाय करने के लिए। तो उज्जीवन पे ऐसा क्या पैटर्न बना हुआ था? तो गाइस मैंने उज्जीवन का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो उज्जीवन को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकली फॉलो करता हूँ, और दूसरा है जी इंटरटेनमेंट, जिस तरीके से हमने उसमें देखी थी गिरावट आई थी। सो गाइस जी इंटरटेनमेंट की बात करें तो ये एक रेंज है, इस रेंज इस चैनल के अंदर ही इस तरीके से जो उज्जीवन ट्रेड कर रहा था उसमें हमें कॉन्फर्मेशन मिल रही थी। उसके बाद हमने देखा था अगर आप मेरे क्लाइंट्स होते तो आप देखते कि मैं ज्यादातर उज्जीवन की बहुत ज्यादा कॉल्स देता हूँ। अगर मैं आपको वो अपने वीक डाटा दिखाता तो उसमें भी मैं उज्जीवन की बहुत ज्यादा कॉल देता हूँ ज्यादातर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट काम कर रही थी। उसके बाद हमने देखा था एक ब्रेकडाउन आया था, उस ब्रेकडाउन आने के बाद उसने इस रेंज को तोड़ दिया था। रेंज को तोड़ने के बाद हमने देखा था उज्जीवन में एक बहुत तेजी से उछाल आया था। उछाल आने के बाद हमारा जो था कि हमें इस उछाल में इस रेंज के आसपास आता है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर अगर हमें कहीं मिलता है इस पर्टिकुलर उज्जीवन तो हम इसे शॉर्ट करके चलेंगे। शॉर्ट करने के बाद हमें देखा था कि अगले दिन एक और मूवमेंट आई थी, हमें क्योंकि ऑब्जर्व करना था कि वहां तक इस पर्टिकुलर को जो है रेजिस्टेंस मान रहा है या नहीं मान रहा। हमने देखा था ऊपर गया नीचे आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वापस ऊपर गया नीचे आ गया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी। तो हमारे लिए जो ये थी एक बेस्ट कैंडिडेट थी, इसकी पुट बाय करके चल लेते और आराम से हमें ये अच्छा खासा टारगेट अचीव करवा देते। तो गाइस इस लेवल पे यानी कि 28-29 तारीख को ही मैंने उज्जीवन की पुट बाय करवा दी थी। उसके बाद जो हमारा जो टारगेट था आप देख सकते थे कि बहुत कंटिन्यूसली अच्छी फॉल आई थी और ये 280 से 267 तक चली गई थी, पर जो हमारा टारगेट था वो था 259 का। 259 पे उज्जीवन आता है, वहां से एग्जिट कर जाते हैं, पर हमने देखा है वापस बाउंस आ गया था, क्योंकि ये भी एक NBFC कंपनी है और NBFC कंपनी के अंदर वापस एक बाउंस आ रहा है जिस तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। अब मैं आपको इसका आली चार्ट लेकर चलता हूँ। आली चार्ट में आपको ये रेंज आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगी। आली चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने आली चार्ट ओपन कर लिया है, ये देखिएगा
यहां से मार्केट नीचे गई, इस रेंज में ही रही, उसके बाद ऊपर गई, इस रेंज में आई, फिर नीचे आई, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस रेंज पे ही मार्केट ट्रेड कर रही थी गाइस। ट्रेड करने के बाद मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, तोड़ने के बाद मुझे कंफर्मेशन नहीं आई, तोड़ने के बाद मुझे कंफर्मेशन तब आई कि जब इसने इस पर्टिकुलरली 200 डे के आली चार्ट के एमा को तोड़ा और उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट देने के बाद मेरे लिए जो था कि अगर वो 285 के आसपास मिलता है पर्टिकुलर स्टॉक तो मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। जो मेरा टारगेट रहेगा वो वापस इसका जो प्रीवियस लो है वहां तक का तो जरूर रहेगा, और दूसरी बात आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस लो है 267 का, और जो इसका हाई है आज का जो इसका लो है 267.77 का। तो गाइस यहाँ पर ही मैंने इसे एग्जिट करवा दिया था, जो पर्टिकुलरली जो मेरे रिस्की ट्रेडर्स थे उनको मैंने होल्ड करवाया था, पर उसको भी मैंने ऊपर के में एग्जिट करवा दिया था क्योंकि वो ये बहुत वॉलेटाइल हो रहा था। आप देख सकते हैं कि वापस ये ऊपर इसी रेंज में आ गया है, तो अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो दोबारा आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आपको मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ ये कल भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस रेंज के ऊपर यानी कि 286 या 287 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो आपको वहां से एग्जिट कर देना है, और अभी भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सो गाइस जिस तरीके से अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइंस फिबोनाची के साथ ही वर्क करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। गाइस मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत बार आपको इस हर वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको एक ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, नीचे आपको स्टॉप लॉस या सपोर्ट फाइंड करके चलना है और आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। गाइस अगर आप सिर्फ टॉप के टॉप्स या इन रेजिस्टेंस को मिला के चलते या सपोर्ट को मिला के चलते गाइस आपको इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता, आपको मेरे से जानने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद ही इसमें ट्रेड ले लेते। गाइस इस तरीके से हमारे क्लाइंट्स को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था इस पर्टिकुलरली दिन के अंदर अंदर। गाइस बिल्कुल सेम बाटा इंडिया के अंदर भी है, बाटा इंडिया भी मेरे लिए बाय अपॉर्चुनिटी थी, पर बाटा इंडिया में हमने देखा था कि एक 1106 पे बाय करवाया था, 1114 का टारगेट था, वो अचीव हो गया था इंट्राडे के अंदर, पर मेरे लिए जो इसका टारगेट था 1135 या 40 का टारगेट था, वो अभी तक बाटा इंडिया के अंदर अचीव नहीं हुआ। तो मैं वेट कर रहा हूँ 2 दिन तक, और 2 दिन के बाद जो मेरी एक मैंने प्लानिंग बनाई थी बाटा इंडिया के अंदर वो फिर शॉर्ट साइड में ही चली जाएगी अगर वो 1140 तक करता नहीं है। गाइस दूसरी बात आप देख सकते हैं मारुति मैंने एक सजेस्ट करा था 60 रुपीज में बाय करने के लिए इसकी कॉल ऑप्शन को, पर वो 40 तक चली गई थी, और मारुति में हम देख रहे हैं कि बाइंग नहीं बन रही है। टाटा मोटर्स फेब के हमने 2.8 रुपीज में बाय करवाई हुई है 190 की कॉल, जिसने आज जो हाई मारा है 5.5 का मारा है, और जो मैंने 28 तारीख को बाय करवाई थी। गाइस जो पोजिशनली होते हैं जो एक चार्ट होता है वो चार्ट में पहले ही बता देता है कि ये एक अपमूव की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स किस तरीके से आउट परफॉर्म दिखा रहे हैं इन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो गाइस अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुछ ऐसी ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, वहां पर भी आपको मैं हर दिन कॉल्स प्रोवाइड तो नहीं करवाता, पर वहां पर मैं हमेशा अपडेट देते रहता हूँ कि मैंने इंट्राडे के अंदर क्या क्या कॉल्स प्रोवाइड करा के रखी हुई है। मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा 1 फेब से, और कॉल्स किस तरीके से प्रोवाइड होंगी, इस तरीके से होंगी कि जो मैं अपने क्लाइंट्स को कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ 3 या 4, उसमें से एक कॉल आप लोगों को प्रोवाइड हुआ करेगी, वो एक कॉल प्रोवाइड होने के बाद आपको और कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं होगी। उसके बाद जो अगर आपको कॉल चाहिए होंगी तो आप पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करा दूंगा पेड सर्विस से रिलेटेड। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमने आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा प्रूफ है, मैं आपको एक दिखाना नहीं चाहूंगा वैसे, पर एक ये व्हाट्सएप की कॉल्स हैं जो मैं व्हाट्सएप पे कॉल्स, और टेलीग्राम एक मेरा अलग से टेलीग्राम बना हुआ है जिसमें मैं कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ, और एक मेरा ये व्हाट्सएप है जिसमें मैं कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 226 232 पे ही मैंने ये बाय करवा दिया था, अपने टेलीग्राम पे अगर मैं बताना चाहूँ तो 219 पे ही मैंने बाय करवा दिया था, जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पेड के थ्रू काम करना चाहते हैं तो उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, या होटल्स भी आप देख सकते हैं मैंने बाय के करवा के रखा हुआ था, BEMLB, ये सारी चीजें आपको मैं एक प्रूफ के थ्रू में दिखा रहा हूँ कि यस मैंने एक्चुअली में इसे बाय करवाया था, और कल भी जो बजट आने वाला है तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स में चुन के रखे हुए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उनके साथ भी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर करवा के रखूंगा। और जो मैंने आपको बता रखा है जो मेरी 3 होल्डिंग्स हैं, जो पर्टिकुलरली ये मेरा 21 से 25 जैन का एक वीक का मार्कशीट है जो भी मैंने रखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं, पर जो मेरी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि
मैंने यहाँ पर आज जो तीन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अपने क्लाइंट्स को दे रखी है वो भी कल डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकती है, और जो मैं आप इंट्राडे में कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा वो भी। सो गाइज बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। मैं अब आज आज भी आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलरली कल के स्टॉक्स की बात करूंगा और निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें काम करना है वो भी लेकर आऊंगा। गाइज अगर मैं आज फेब नहीं लेकर आ पाया क्योंकि बजट में थोड़ा बहुत इंडेक्स मार्केट हो सकती है, तो मैं कल से आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। तो मेरे चैनल जो अभी आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए जो मैं आपके लिए इस यूट्यूब के अंदर कर सकता हूँ। और गाइस जो मैंने एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, गाइस वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपके साथ मैं जल्द शेयर करूंगा। बस मैं उसका एक कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, जो कंफर्मेशन मुझे कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगा कि वो यस वो ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों में से पूरे हफ्ते में से किसी ने इन स्टॉक्स में से कुछ बाय या सेल करके रखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।